नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अमित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एजी फैक्ट एंड मोटिवेशन पे। दोस्तों, कठिनाइयां सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन उससे कैसे निकला जाए, छुटकारा पा जाए, उसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही आदर्श वीडियो होने वाला है। महात्मा बुद्ध के कुछ विचार हैं जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और उमंग का संचार करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध का संक्षेप में एक परिचय जान लें। विश्व के प्रसिद्ध धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में अग्रणी महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्धिज्म यानी विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। हम आज जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। चाइना, जापान, श्रीलंका समेत 10 से अधिक देशों में इस धर्म को विशेष रूप से माना जाता है और अपनाया जाता है। आइए आज हम भगवान बुद्ध के अनमोल वचनों के बारे में जानते हैं और इन्हें पढ़कर शांति का अनुभव करते हैं। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा एक शब्द है जो शांति लाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग ये नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। अतीत यानी कि बीते हुए वक्त पर हमें ध्यान मत देना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना नहीं चाहिए और अपने मन को वर्तमान के क्षणों पर केंद्रित करना चाहिए। तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, पहला है सूर्य, दूसरा चंद्रमा और तीसरा सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करो, दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने के लिए प्रयास करने लगते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके लिए कोई संकट नहीं होता। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी पर फेंकने की नियत के पकड़े के समान है, आप भी जलते हैं इससे। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है, शक लोगों को अलग करता है। या एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। या एक कांटा है जो चोटिल करता है। या एक तलवार है जो वध करती है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं पर प्रकाश ढूंढो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पहला पूरा रास्ता न तय करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है, शांति अंदर होती है, इसे बाहर मत ढूंढो। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी किसी को ठेस ना पहुंचा सकते हैं। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और ना ही कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके किसी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।